नमस्ते दोस्तों, आज मैं अपन बात करेंगे एक कैमरे में बटन होता है, आपने देखा होगा आपके कैमरे में भी, ये जिस पे लिखा होता है कि AEL और AFL। इसका मतलब होता है ऑटो फोकस लॉक और एक्सपोजर लॉक। क्योंकि कई कस्टमर जैसे आते हैं तो पूछते हैं यार ये बटन किस काम का है या ये इस बटन को किस काम में ले सकते हैं। एक और एक होता है जैसे इसके सांपल जिस पास में एक साइन भी होता है, आपने देखा होगा ये वाला जो चाबी का साइन होता है। इससे क्या, जैसे मान लो आपने कोई फ़ोटो खींची है तो आप उस फोटो को सेव रखना चाह रहे हो कि यार डिलीट नहीं हो जाए कहीं गलती से भी, तो जब आप उस फोटो को मतलब रिव्यू करके इस बटन को दबा देते हो वो फोटो लॉक हो जाती है, तो कभी वो डिलीट नहीं होगी आपके इससे। तो एक तो ये काम आ गया, एक आपका फोकस लॉक हो जाता है। मान लो जैसे आपने जैसे मेरे पास से ये D5300 कैमरा है निकोन का, इससे जैसे मैंने कैमरा ऑन करके मान लो मैंने इस कैमरे पे या मेरा जो कैमरा है उस पर फोकस किया, जैसे ये मैंने फोकस कर लिया, ठीक है ना। अब मैं यहाँ फोकस करके मैंने दबा लिया, फोटो नहीं खींची है, मैंने फोकस कर लिया। अब मैं इस कैमरे को कहीं भी ले जाऊँ, कहीं भी खींचूँ, जैसे मान लो मैं अब आपकी फ़ोटो खींचूँ तो मेरी फोकस ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल वाइट आ गई, इधर भी खींचूँगा तो भी देखिए ब्लर आ रहा है। लेकिन मैं और मैं देखिए ये जो फोकस बटन जो जो बटन है मेरा, उस बटन को मैं दबा के रख रखा हूँ। अब मैं वापस इसी मेरे से जो जहाँ मैंने फोकस लॉक किया उसी पे जाके मैं वापस जब फ़ोटो खींचूंगा तो मेरी जो फ़ोटो है बिल्कुल बैलेंस्ड और बिल्कुल परफेक्ट फ़ोटो आएगी, आप जैसे आप देख रहे हैं ये देखिए बिल्कुल आएगी। तो ये आप वहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे मान लो आपने कैमरा लगा रखा है, आपकी लाइटिंग सेम है और आपका जो शूट का जो आपका जिस जो सब्जेक्ट शूट कर रहे हैं वो भी वहीं पे है, फिक्स्ड कर रखा है आपने, तो बार बार आपको फोकस ना करना पड़े, वहाँ आप इस बटन को यूज़ कर सकते हो कि आप अपना ऑटो फोकस जो फोकस जहाँ अपना जो सब्जेक्ट है उसको एक बार लॉक कर दिया फोकस को, तो वो फोकस आपको कहीं शिफ्ट नहीं होगा कहीं, तो आपको केवल आपको बार बार फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको समझ आया होगा, धन्यवाद।